बीएड एडमिशन की इस स्टेज पर आपके बड़े क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो बड़े मीनिंगफुल हैं, इसलिए उस पर अलग वीडियो बना रहा हूं। जो क्वेश्चन आपने यूट्यूब चैनल लर्न टू एक्चुअलाइज पर पूछे हैं, काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन है, दैट इज वाई एक एक का आंसर देना डिफिकल्ट लग रहा था। आंसर दूंगा, आंसर कई दूसरे जनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेली मोटिवेशन पावर की तरफ से, ये थैंक यू, ये हाँ ये रहा कि हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, टोटल रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया, ऑल दैट। ये नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी दिया होगा, साथ में ही ये वीडियो अपलोड की है जिसमें आप वीडियो का नाम होगा क्या गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल सकती है, जहां हम जहां चाहते हैं सीट मिल सकती है, तो उसको आप देख लीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में विद गाइडेंस आपको मिल जाएगी कि टेंशन क्यों नहीं लेनी, आप रिलैक्स फील करोगे। दूसरा है क्वेश्चन, सर गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, इससे वीडियो में भी बताऊंगा, साथ साथ में केस बेस्ड होगा, जनरलाइज्ड जो डिफरेंट वीडियो होगा, केस बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा उसका साथ में बताऊंगा। सर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए सीईटी, अच्छा कितने मार्क्स परसेंटेज चाहिए, उस वीडियो में उत्तर दिया गया है, कोई सीधा उत्तर नहीं है, लिंक नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो। आई हैव रावत, आई हैव ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग क्वेश्चन, ये निकल चुका है फेज। सर प्लीज डाउनलोड द वीडियो रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या क्या आप पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो आपके साथ लगने हैं बीएड एडमिशन वेरिफिकेशन जब होनी है वो डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, मुझे क्लियर नहीं है, काइंडली ये क्लियर कर दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइडेंस। सर जनरल कैटेगरी वालों के लिए गवर्नमेंट सीट कितनी, उस वीडियो में नीचे लिंक दिया गया है, आप देख लीजिए, आंसर मिल जाएगा। सर ग्रिड में स्पेशल बीएड के लिए अप्रोक्सीमेट कितना कट ऑफ जाता जाना चाहिए, देखिए ये कट ऑफ जो नवजीवनी इंस्टीट्यूट है सिर्फ वहीं पर 25 सीट्स हैं, आप वहां करना चाहते हो स्पेशल बीएड तो वहां अवेलेबल है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भी शायद ये कोर्स ले रही है या ले चुकी है, इसमें डिस्प्ले नहीं हुआ, तो बीसीएम ने तो कैंसिल कर दिया इस साल के लिए, है ना, तो आप किसके लिए करना चाहते हो। अच्छा मैं यहाँ पर ना मैं फोन नंबर दे दूंगा डॉक्टर अरजिंदर सिंह का मोबाइल नंबर, प्रिंसिपल है बीएड कॉलेज के, तो कोई भी गाइडेंस चाहिए वो आपको टेलीफोन पर आप अपना केस डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर सकता, यूट्यूब इसको क्राइम मानती है अगर मैं किसी का टेलीफोन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन ईमेल वगैरह डिस्कस करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है उसमें जवाब में वो फोन नंबर लिख दूंगा, 98729 से शुरू होगा, ओके। ये है सर परसेंटेज कितनी जाएगी एडमिशन के लिए, वो लिंक दिया गया है, वीडियो बन गई, आप देख सकते हो गवर्नमेंट में सीट मिलेगी कि नहीं, ऐसा होगा। पंजाबी लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट भाषा विज्ञान पटियाला वाला होगा जहां स्टेट बोर्ड, आपको स्टेट बोर्ड का प्रेफर करना चाहिए, कोई रिस्क नहीं रहेगा। नेक्स्ट है सर जॉब अवेलेबिलिटी किस में ज्यादा है, ये बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जॉब अवेलेबिलिटी साइंस वालों के लिए, सोशल साइंस वालों के लिए और दूसरी कैटेगरी जो है उनके लिए डिफरेंट होती है। मास्टर कैडर की पोस्ट निकली भी हुई है, उनकी एग्जाम्पल देके आप अपना वो सब्जेक्ट बताइए, जहां क्वेश्चन और क्लियर कीजिए, जहां मैं मुझे कहिए मैं डिफरेंट वीडियो बना दूंगा कि जॉब अवेलेबिलिटी नॉर्मली पंजाब में कौन कौन सी ज्यादा रही है, ये नोट हो जाएगा, ओके। सर इफ आई हैव डन बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर एंड एमए इकोनॉमिक्स टू कॉम्बिनेशन एसएसटी में हो गया या पेडागोजी इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज में, इफ आई स्कोर्ड 103 वेरी गुड, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी। अच्छा पहले तो आपका क्वेश्चन है कि बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड बीएससी एमए इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन एसएसटी में हो जाएगा। देखिए आपको ये बता दूं कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बनता है, वैसे किसी ने भी अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन देखना है तो तीन चीजें हैं उनको ध्यान में रखिए, अब उस वीडियो में भी यही बताऊंगा। एक तो आप मास्टर किसकी कर रहे हो, एमए या एमएससी, है ना, एमएससी किस में कर रहे हो। दूसरा आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। तीसरा आप हाई गेन जो मार्क्स ज्यादा लेते हो वो किस सब्जेक्ट में ले रहे हो।
ये क्यों जरूरी है? नॉलेज एरिया अफेक्टिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, ये आप हायर डिग्री जो ले रहे हो, जो हायर डिग्री आप कर रहे हो उस कॉम्बिनेशन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हो जहां आपने करनी है, आपकी इंटेंशन है कि मैंने ये वाली एमएससी एमए करनी है, तो आपको वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही लेना चाहिए। दूसरा, जॉब अवेलेबिलिटी कितनी है वो अलग से वीडियो होगा, साथ में इसको बताऊंगा कि फिर आपकी प्रेफरेंस कैसे बनती है। अब आपकी बीएससी इकोनॉमिक्स है, एमए इकोनॉमिक्स है, इट मींस आपको इकोनॉमिक्स नहीं छोड़ना। आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो मैथ्स इकोनॉमिक्स बन रहा है। आप एसएसटी के बारे में पूछ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि एसएसटी में होगा कि नहीं होगा, कॉम्बिनेशन आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर आप पीर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो, ये आपको बताना पड़ेगा, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो तो आपका इकोनॉमिक्स के बेस पर एसएसटी बन जाएगा। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो तो आपका एसएसटी बन जाएगा। तो अगर आप जीएनडीयू में हो तो आपका एसएसटी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। मेरा सजेशन ये है कि आपको एसएसटी प्रेफर ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एमए इकोनॉमिक्स, देखिए आगे चल के आपके लिए क्या बेटर रहेगा कि एमए इकोनॉमिक्स के बेस पर आप जो पीजीटी की पोस्ट होगी इकोनॉमिक्स के लिए उसके लिए कम्पीट कर सकोगे, उसके लिए अभी तक जो पीटेट भी नहीं चाहिए। तो आप दूसरा है कि आपने साइंस का एरिया मैथ्स है, आपका बीएससी में मैथ्स पढ़ा होगा, ये बाकी आपके डीएमसी देख के पता चलेगा। अगर मैथ्स पढ़ा हुआ है आपने तो आपको मैथ्स और इकोनॉमिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैथ्स आपका फील्ड हो गया, प्लस इसकी मास्टरी आपने की हुई है, प्लस जिसकी मास्टरी की है या जिसकी ज्यादा नॉलेज है, आगे चल के जैसे मास्टर कैडर की पोस्ट भी निकलती है उसके लिए, टीचर के लिए फिर पीटेट के बाद एक टेस्ट होता है, पीजीटी के लिए फिर एक टेस्ट होता है। नेचुरली है आपका मार्क्स एरिया जो पिछली नॉलेज आपने ज्यादा गेन जिस सब्जेक्ट में कर रहे हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट बेस्ड ही पीजीटी का टेस्ट होता है, जॉब के लिए जॉब निकलती है आपको एक टेस्ट देना है, ज्यादा कंटेंट ही होता है, मोस्टली आपका कंटेंट ही होता है, वो पेडागोजी में से नहीं पूछे जाते, पीटेट सीटेट में पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दैट इज वाई आपका जो प्रेफर्ड एरिया है वो मैथ्स होना चाहिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका ये बनता है। इसके अलावा आपके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी में एसएसटी ले सकते हो, ये कॉम्बिनेशन आपका बन गया, एसएसटी के साथ पंजाबी हो सकता है, एसएसटी के साथ इंग्लिश हो सकता है, ऐसे ही मैथ्स के साथ इंग्लिश, मैथ्स के साथ पंजाबी, कितने कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ इंग्लिश, इकोनॉमिक्स के साथ पंजाबी और आपका एसएसटी के साथ। मैं आपको सुजेस्ट मैथ इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, मैं कोई भी कॉलेज आपको एसएसटी के साथ मैथ्स नहीं देगा, अगर ये मिलता है तो आप ये ले सकते हैं, मेरे ख्याल में ये नहीं कोई देगा, क्योंकि एसएसटी मेजर सब्जेक्ट नहीं आता है, माइनर में नहीं आता, आपको फिर भी कॉलेज की लिस्ट देख लेनी चाहिए। सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बता दीजिए, बीएससी नॉन मेडिकल, देखिए बीएससी नॉन मेडिकल के लिए बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है मैथ्स साइंस का है या साइंस मैथ्स का है, दोनों कॉम्बिनेशन बेस्ट है इनके लिए। और कॉम्बिनेशन कौन कौन से ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन है लेकिन जाना इनको नेचुरली, क्योंकि ये इनके मेन एरिया है, इधर ही जाना चाहिए। मैथ्स के साथ पंजाबी हो सकती है आपकी, आपने पढ़ी होगी एक साल इंग्लिश, वो आपके डीएमसी देके बता सकता हूँ, जनरली मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पंजाब गुरु नानक या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से की है, मैथ्स पंजाबी हो गया, मैथ्स इंग्लिश हो गया, आपका जो साइंस लैंग्वेज हो गए दोनों पंजाबी और इंग्लिश है ना, और मैथ्स के साथ आपका फिजिकल साइंस हो सकता है, वो नहीं लेना चाहिए, उसकी जगह पर आपको साइंस ही प्रेफर करना चाहिए। बाकी डिपेंड करेगा कि आपका तीन जो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट की करनी है, प्लस आपका इंटरेस्ट टीच करने के लिए इंटरेस्ट किस एरिया में है, प्लस हो सकता है कि आपने मैथ साइंस मैंने बोल दिया है, आपका इंटरेस्ट इंग्लिश या पंजाबी या किसी और सब्जेक्ट में हो, है ना, तो दैट इज वाई आप उसके अकॉर्डिंगली प्रेफर कर सकते हैं। फिर मैथ के साथ आप इंग्लिश, अगर इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट है या इंग्लिश में ज्यादा आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो, है ना, ये आपका पर्सनल जो इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करेगा, प्लस आपके मार्क्स किसमें ज्यादा आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कॉम्पिटिशन जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ज्यादा सिलेक्शन जॉब की उसमें ही रहेगी, तो वो बड़ा कट, वहां कट ऑफ की बात वहां की जाएगी, यहाँ एंट्रेंस टेस्ट में नहीं की जाएगी, ये आपके कॉम्बिनेशन रहे। नेक्स्ट है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सुनीता, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके लिए हमें कॉलेज में जाना
जाके पता करने पड़ेगा। हाँ जी, वो बेटर गाइड कर सकते हैं आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए, क्योंकि जो ग्रेजुएशन है वो एलिजिबिलिटी है और पोस्ट ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है। उनके डीएमसी आपको चाहिए, डीएमसी, डीएमसी में आपके सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं, 6 मंथ कौन सा पढ़ा है, 1 ईयर कौन सा पढ़ा है, 2 साल कौन सा, 3 साल को कौन सा पढ़ा है, ये देख के आपको बताएंगे कि डीएमसी से कि आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा बनता है और माइनर कौन सा बनता है। ठीक है, वहां वैसे इतनी ये डिस्टिंक्शन बड़ी इतनी सॉलिड नहीं है, मेजर माइनर की अलग से बताऊंगा। तो पीजी का आपको चाहिए, कई बार यहां से नहीं गाइडेंस मिलती, कई बार आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो बहुत स्कूल सब्जेक्ट से मैच नहीं करती, पोस्ट ग्रेजुएशन की करती होती है। दैट इज व्हाई आपको मिनिमम ये सब्जेक्ट जो डॉक्यूमेंट लेके जानी चाहिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के, बेशक फोटोस्टेट ले जाइए, डीएमसी आपको चाहिए। अच्छा, आपने अब पूछा है कि कौन कौन सा अभी कॉलेज से पता करना चाहिए। हाँ, मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप स्पेसिफिक बताओगे उसका अनुसार आपको वीडियो भी मिल जाएगा कॉम्बिनेशन। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है कॉम्बिनेशन डिफरेंट, आप वहां से भी जाके देख सकते हो कि मेरा कॉम्बिनेशन और कौन कौन सा मैं किस किस कॉम्बिनेशन के लिए एलिजिबल हूँ। टीचर एजुकेटर आपको इजिली गाइड कर देंगे, ये बेटर रहेगा। सर 85 मार्क्स है एससी कैटेगरी, एनी चांस टू गवर्नमेंट? हाँ, मिल जाएगी मिल जाएगी चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का इसके बारे में दूसरा वीडियो दिया हुआ, उसको देख के अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सर मेरे 94 बीसी कैटेगरी चांस ऑफ एडमिशन फुल बड़ा फुल चांस है जी आपके मिलने के। सर क्या एमए पंजाबी यूनिवर्सिटी वैसा एफिलेटेड कॉलेज एमए एडमिशन ले सकता है? मुझे बात नहीं समझ आई, क्या मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी, देखिए मुझे लर्निंग इज मस्ट, आपका ना क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। अगर आप ये पूछ रहे हो कि आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो हाँ ले सकते हो, सबसे ज्यादा कॉलेज भी वहाँ है, खाली भी वहीं रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पंजाब में हो, इवन बाहर के जो है नॉन पंजाब का उनका 15% कोटा होता है, वो भी ले सकते हैं अगर आपका ये क्वेश्चन है। गुड इवनिंग सर, मैंने बीएड स्पेशल एजुकेशन में करनी है, उसके लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी होगी, प्लीज गाइड मी। सर नवजीवनी इंस्टीट्यूट में ही है, वहां पर मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए टीचर जो बनना है नेचुरली है कि वहां पर स्पेशलाइजेशन है, तो सब्जेक्ट ऑप्शन आगे जाके हो सकती है कोर्स में, लेकिन यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं होगी। दूसरा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने अभी मेरे पास नॉलेज नहीं है, ये है कि भी कोर्स ले रहे हैं, 50 सीट्स इनके पास भी आएंगी, आई है अभी तक नहीं, इस काउंसलिंग में होगी या नहीं ये इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट इज व्हाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो सब्जेक्ट होते हैं जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी की स्पेशल स्पेशलाइजेशन है, एमआर बच्चों की, मेंटली रिटार्डेड बच्चों की है ना, ऐसे कैटेगरी होती है, आपने कौन सी ऑप्ट करनी है बस वही होगा। सर मैं ग्रेजुएशन च मैथ इकोनॉमिक्स रख सी सब्जेक्ट, हुण अग्गे ओही लेना चाहनी हां, ए जॉब वैकेंसी दे हिसाब नाल सही रहूगा या नहीं? देखिए आपके पास मैथ इकोनॉमिक्स है, देखिए मैडम आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन यही रहेगा, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। दूसरा आंसर आपको अपने आप से ढूंढना है कि आपने आगे चल के जो मास्टर डिग्री मैथ्स की करनी है, जहां इकोनॉमिक्स की करनी है, जहां कोई लैंग्वेज की करनी है। नेचुरली आप लैंग्वेज किसी को शायद नहीं प्रेफर करोगे, ये काउंसलिंग पर्सनल एजुकेशनल काउंसलिंग का मामला है, तो आपके लिए अभी तक बेस्ट मैथ्स इकोनॉमिक्स ही रहेगा। लेकिन साथ में और कॉम्बिनेशन आपके मैथ के साथ पंजाबी आप ले सकते हो, मैथ के साथ आप इंग्लिश ले सकते हो, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स के साथ आप पंजाबी, इकोनॉमिक्स के साथ इंग्लिश ले सकते हो। ये मैं बता दूं, मैथ्स जो है आपका टीजीटी का सब्जेक्ट है, टीजीटी, टीजीटी मीन कि मास्टर केडर जिसको बोलते हैं, 10th तक जो बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर सिलेक्ट होता है, तो ये पोस्ट सबसे ज्यादा निकलती है। और इकोनॉमिक्स की जो होती है ये पीजीटी होती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये है। जो पीजीटी है वो आप अगर एमए इकोनॉमिक्स करते हो, साथ में इसकी एमए करते हो,
फिर आपके लिए आप एलिजिबल हो गए। जब तक आप एमए इकोनॉमिक्स नहीं करते, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है, तब तक आप नहीं एलिजिबल हो। तीसरा है कि स्कूल 10th तक की मास्टर ग्रेडर टीजीटी की पोस्ट और किसकी निकलती है, पंजाबी की निकलती है, इंग्लिश की निकलती है। तो ये डिपेंड करेगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स को आगे चल के लेना है ना, एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो आपको मैथ्स इकोनॉमिक्स ही लेना चाहिए। अगर आपको लगता है आप पंजाबी या इंग्लिश की मास्टर डिग्री या इसके टीचर ज्यादा प्रेफर करना चाहते हो अपने आप को, या मैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट भी, हाँ, पीजीटी की नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम होगी। लेक्चरर जो है, स्कूल लेक्चरर इनको बोलते थे पहले, जो 10+1 को टीच करने के लिए, नेचुरली इनकी जो वैकेंसी है मैथ्स की बहुत ज्यादा होगी, पंजाबी की बहुत ज्यादा होगी, इंग्लिश की इनकी ज्यादा होगी। दैट इज वाई जॉब प्रेफरेंस के हिसाब से आप मैथ इकोनॉमिक्स को छोड़कर मैथ पंजाबी या मैथ इंग्लिश पर भी जा सकते। सर मेरी ग्रेजुएशन पीटीयू तो है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन मिलेगा जी, कोविड ने लगभग सब कुछ चेंज कर दिया है। मनप्रीत सिंह जी, सर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दा अजे तक बीए सेम 5 दा रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करिया, उदो 21 अगस्त तक आ सकता है बीए सेम 6 दा? अते सर जी रिजल्ट ना आया था उदो तक? देखिए सर, ऐसा नहीं होगा, सेम आपका राइट है कि आपका रिजल्ट आउट होना चाहिए, अगर नहीं आउट होता तो ये आपका राइट है कि यूनिवर्सिटी आपकी वेट करे, क्योंकि एक भी कैंडिडेट फिर कोर्ट में जाता है तो जस्टिस आपके फेवर में होता है। होगा कि जब तक क्वालिफाइंग डिग्री का एग्जाम नहीं हुआ, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं लिया पंजाब का, इवन बाहर वालों के लिए भी है, क्योंकि कोटा तो 15% का भी है ना, तो आपका अगर नहीं आउट हुआ तो आपके लिए वेट की जाएगी, आपको चांस दिए जाएंगे, तो फिक्र नहीं करना। तो मोस्ट प्रोबेबली कोऑर्डिनेशन होती है यूनिवर्सिटी की, जीएनडीयू है तो इनको पंजाबी यूनिवर्सिटी और पी पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है कि ये एडमिशन प्रोसीजर ये वाले कोर्सेज के चल रहे हैं, दैट इज वाई इनका रिजल्ट जो है जल्दी डिक्लेयर किया जाए। अगर नहीं क्लियर किया जाता तो आपको चांस पक्का मिलेगा। बीए में मैथ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगी? आपके बहुत ज्यादा बन रहे हैं, सबसे बढ़िया आपका बन रहा है जो, अगर आपने नेक्स्ट फिर है कि पोस्ट ग्रेजुएशन किसकी करनी है, उसके मुताबिक आप चूज कर सकते हैं, एक चॉइस वैसे है आपका बन रहा है मैथ और इकोनॉमिक्स का, दूसरा आपका बन रहा है मैथ्स और पंजाबी का, तीसरा आपका बन रहा है मैथ्स और इंग्लिश का, चौथा आपका बन रहा है इकोनॉमिक्स एंड पंजाबी का, फिर बन रहा है इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश का, फिर पॉलिटिकल साइंस एंड पंजाबी का, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश का। इनसे बेटर है, आपने अगर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, इसके बेस पर आपका एसएसटी बन रहा है। ठीक, अगर आप सोशल साइंस की स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो आपको ये फर्स्ट आपका ये बन रहा है। अगर इसमें जाना चाहते हो सोशल साइंस में, है ना, आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा है, तो आपको एसएसटी लैंग्वेज लेना चाहिए, एसएसटी पंजाबी या एसएसटी इंग्लिश, आपके लिए गाइडेंस ये है। लेकिन आपके कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बाकी आपका इंटरेस्ट क्या है और आपके मार्क्स किस सब्जेक्ट में ज्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ्स के हाई अचीवर हो तो आपको सोशल साइंस की जगह पर मैथ्स को प्रेफर करना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स या पोलिटिकल साइंस में हाई जा रहे हो मार्क्स में, तो आपको एसएसटी या ये सब्जेक्ट प्रेफर करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे कंपटीशन में जाके आपके लिए इजी रहेगा, आपको ज्यादा पढ़ना, ज्यादा तो नहीं कह सकता, मतलब रिलेटिवली उनसे कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें आपके मार्क्स ऑलरेडी ज्यादा आ रहे हैं उसमें जॉब सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, मीन मेरिट में आप ज्यादा आ सकोगे। सर मेरे 64 मार्क्स है, बीएससी कैटेगरी एडमिशन हो जाएगा? सबका हो जाएगा, सभी एलिजिबल कैंडिडेट का हो जाएगा, उस वीडियो में डिटेल में बताया है, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लिंक नीचे दिया गया है, आप वो क्लिक करके देख लीजिए एक बार। सर मैंने ग्रेजुएशन राजस्थान से किया है, अगर उसके रिजल्ट 21st को ना आया तो? देखिए आपका कोटा है 15%, तो आपका भी राइट बनता है, तो आप नेबरहुड से ही हो, 15% कोटा है आपका,
तो मोस्ट प्रोबेबली आएगा, और अभी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के ग्रेजुएशन के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो घबराना नहीं है, आपको हक मिले, कोई गरेगा नहीं, एक भी जना कोर्ट में जाता है तो आपके फेवर होगा, आपके लिए वेट की जाएगी, बाकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, आपकी वेट की जाएगी। सर 93 मार्क्स बीसी कैटेगरी में हिस्ट्री पॉलिटिकल पंजाबी लिटरेचर में स्टेट कॉलेज में लेना चाहती हूँ। हाँ आपके अच्छे मार्क्स हैं और कैटेगरी भी आपकी है गुड, और आपके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बन रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से आपका एसएससी बन रहा है ना, और एसएससी से साथ पंजाबी लिटरेचर आपका बेस्ट बन रहा है यहाँ से जो दिखाई देता है। बाकी आपका इंटरेस्ट मार्क्स किसमें ज्यादा है और पोस्ट ग्रेजुएशन किसकी करनी है इसके बेस पर देखिए। दूसरा आपका बन रहा है हिस्ट्री का पंजाबी के साथ बन रहा है, ये अगर हिस्ट्री लेते हो तो आपको पीजीटी के लिए जाना पड़ेगा, आपका इसकी जॉब बहुत कम निकलती है हिस्ट्री की, एसएसटी की सब बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है, प्लस वन टू में के जो टीचर कम रखे जाते हैं उसकी पोस्ट कम होती है, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस उसका पंजाबी के साथ हो सकता है, इसके साथ आप एसएसटी दूसरा इंग्लिश भी सोच सकते हो, अगर पंजाबी लिटरेचर आपने पढ़ा है तो इंग्लिश की मत सोचिए, आप पंजाबी की तरफ ही, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका एसएससी पंजाबी। हाँ अगर आप स्टेट कॉलेज को ही प्रेफर करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो तो आप पहले एसएसटी पंजाबी देखिए, नहीं तो फिर एसएसटी इंग्लिश में देख लीजिए, फिर एसएसटी जब प्रेफरेंस बननी है ना तो तब ये गाइडेंस आपको जरूरत होगी। फिर अगर आप करना चाहते हो, मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए एसएसटी पंजाबी या इंग्लिश तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अगर आप करना चाहते हो तो फिर स्टेट कॉलेज में ही अगली ऑप्शन फुलफिल कर दोगे, स्टेट कॉलेज हिस्ट्री और पंजाबी, अगला स्टेट कॉलेज का हिस्ट्री एंड इंग्लिश, अगला स्टेट कॉलेज का कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल साइंस एंड पंजाबी, अगला स्टेट कॉलेज का कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश, ऐसे आप स्टेट कॉलेज में ही फिक्स हो गए हो, इससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, लेकिन जॉब के हिसाब से आपको लेना चाहिए, इंटरेस्ट के हिसाब से लेना चाहिए आपके मार्क्स। सरकारी सीट के लिए कितने नंबर चाहिए? सर मैंने डिफरेंट वीडियो बनाया है, नीचे आप लिंक देख सकते हो प्रिया। सर मेरा 76 मार्क्स है क्या गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगी? वीडियो बनाया है आप देख लीजिए, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में, दूसरा आपका सब्जेक्ट वहां वीडियो में डिटेल में बताया गया है वो देख लीजिए। सर गवर्नमेंट कॉलेज लेकिन नहीं मेरिट हो सकती एससी दी, वीडियो देख लीजिए नीचे लिंक दिया गया है। सर एमए के बाद बीएड एक साल की नहीं, अभी नहीं होगी, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी इंप्लीमेंट नहीं, कई स्टेट में हो चुकी है, पॉलिसी बन चुकी है, अभी तक कोर्स अप्लाई ही नहीं किए गए। देखिए जब तक बीएड कॉलेज जहां डिग्री कॉलेज जहां जो एलिजिबल कॉलेज है वो अप्लाई नहीं करते एनसीटी को कि हमने ये कोर्स लेना है एक साल वाला जिन्होंने एमए कर लिया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक प्रोसीजर है, लंबा है। सर जिनके टेस्ट रह गया वो कैसे एडमिशन ले? मैनेजमेंट कोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे डिस्करेज नहीं होना, तो मैनेजमेंट कोटा की डेट आएंगी, वो आपने रजिस्ट्रेशन फीस कर देनी है, और आपने मैनेजमेंट कोटा हर 100 सीट के पीछे ना 13 सीट्स मैनेजमेंट कोटा की होती है हर, तो अगर 22,000 सीट्स हैं तो मैनेजमेंट कोटा की देखो कितनी सीट्स पड़ी है अभी, तो दैट इज सफिशियंट मैनेजमेंट कोटा सीट होती है, इसके लिए पे थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जिन कॉलेज की फिल नहीं होती ठीक है, एरिया वाइज है, आप पूछोगे वो भी बता दूंगा, वहां पर नॉर्मल फीस में ही आपकी हो जाए। सर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का थ्रू बीकॉम की है, आपका क्वेश्चन नहीं कोई पूछा गया, फिर भी आप बीकॉम हो तो आपका कॉम्बिनेशन जो है कॉमर्स इकोनॉमिक्स बेस्ट बनता है, इसके साथ आप इकोनॉमिक्स लैंग्वेज भी ले सकते हो, फिर भी आपका जो कॉम्बिनेशन है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एक बना है और कॉमर्स पंजाबी और कॉमर्स इंग्लिश ये बन रहे हैं। अच्छा कितने मार्क्स, ये वीडियो बन गया है, काउंसलिंग कब होगी, हमने गुरु नानक यूनिवर्सिटी जाना होगा? नहीं कहीं नहीं जाना आपने, ऑनलाइन सब कुछ होना है, फिजिकली आपको कहीं नहीं जाना। आई एम फ्रॉम आउटसाइड, आई कैन आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज? यस आप अप्लाई कर सकते हो, मेरिट उस कॉम्बिनेशन उस कैटेगरी की में हाई आते हो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, जलंधर में है, फरीदकोट में है, मलेरकोटला में है, चंडीगढ़ में है, और ये आपका एक और कॉलेज है पटियाला में है। सर रिजल्ट कब आएगा? आ चुका है। सर एक चीज ठीक कि जो 6 अगस्त को साइट ओपन होगी तो कब तक रहेगी प्लीज बता देना। नहीं आप अपना जो डिस्प्ले है 6 अगस्त को आप चेक करो, वो नहीं जल्दी बंद होगी क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही आपने फिलिंग चॉइस फिलिंग करनी है।
सर डी का क्वेश्चन आंसर की मैं रॉन्ग है। अच्छा सर पता किवें चलूगा कि पेपर क्लियर है या नहीं? आपके 25% मार्क्स अगर है जनरल कैटेगरी के हो ना, आपके 25% मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी है 25%, एससी कैटेगरी है तो 20% तो आपका। सर मेरी कोल बीए में मैथ इंग्लिश लिटरेचर है और कंप्यूटर सी, हुन मेरी बीएड बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड इंग्लिश बनी गई जा मैथ्स कंप्यूटर। देखिए आपको खुद देखना होगा, आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन वैसे बन रहा है आपका मैथ्स और इंग्लिश। कारण क्या है कि कंप्यूटर की पोस्ट कम निकलती है, अभी तक रिलैक्सेशन चल रही है कि कंप्यूटर वाले टीचर को बीएड नहीं करनी पड़ रही ऐसा भी, लेकिन आपका इंटरेस्ट है, आप कंप्यूटर लेना चाहते हो, सेफ साइड हो। अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, अगर आप कंप्यूटर की पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या करना चाहे, इसके अलावा आपका मैथ्स इंग्लिश का तो बन रहा है, दूसरा मैथ्स कंप्यूटर का बन जाएगा है ना, इंग्लिश के साथ आप मैथ्स पंजाबी भी बन जाएगा आपका, एक साल पढ़ा होगा आपका पंजाबी ने, तो मेरे हिसाब से बेस्ट आपका है मैथ्स और इंग्लिश। दूसरे नंबर पर है मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, लास्ट प्रेफरेंस में आप कंप्यूटर साइंस पंजाबी और कंप्यूटर साइंस इंग्लिश भी रख सकते हो। ये नहीं मुझे पता कि आपने कॉलेज को प्रेफर करना है या कॉम्बिनेशन को, मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन को। कितने वाला पास होगा? 25% बताया हूँ पीछे ना, 25% जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 20%। सर सबसे पहले एससी को सीट मिलती है, मतलब एससी क्वेश्चन ही आपका सिमरन समझ आया, वो उनका अलग कॉम्पिटिशन चलता है, एससी का आ बी एस बीसी का बीसी का जनरल का जनरल से कॉम्पिटिशन है, एक का दूसरे के साथ नहीं है। हाँ जनरल वालों को लॉस होता है, रिजर्व कैटेगरी वालों को कभी लॉस नहीं। मैडम आपको जैसे आपकी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी फिजिक्स की है तो आपको साइंस को नहीं छोड़ना चाहिए, बीएससी में मैथ्स पढ़ा है तो आपको मैथ साइंस या साइंस मैथ कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर भी आप मैथ्स नहीं लेना चाहे तो आप क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी ये है, आपको साइंस के साथ अभी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, मैथ के साथ आप सॉरी साइंस के साथ आप इंग्लिश प्रेफर कर सकते हो, फिर साइंस के साथ पंजाबी कर सकते हो, ये आपकी प्रेफरेंस। नंबर वन बनी आपकी मैथ्स साइंस, दूसरा बनी साइंस इंग्लिश जहां पंजाबी, ये बराबर ही है, कोई भी आप इंटरेस्ट के मुताबिक ले सकते हो। बाकी फिजिकल साइंस के साथ भी आप ले सकते हो, वो प्रेफर नहीं करना चाहिए। अगर फिजिकल साइंस लेते हो तो पीजीटी के लिए कम्पीट करोगे आप, वो पोस्ट बहुत कम होती है और कंपटीशन उसका काफी ज्यादा होता है। 25% जनरल कैटेगरी एंड 20% रिजर्व कैटेगरी, 94 बीसी कैटेगरी, एनी चांस फॉर एडमिशन, फुल चांस है। तो ये थे क्वेश्चन सारे ही, मैंने कोशिश की है एक वीडियो में दे दी है, रिगार्डिंग और क्वेश्चन भी होंगे आपके वो दे दूंगा, अलग से वीडियो कॉम्बिनेशन की बना दूंगा। आप क्वेश्चन काइंडली क्लियर पूछिए कि मुझे ज्यादा एनर्जी फिर ना लगानी पड़े, थोड़ा वेट करके क्लियर लिख दीजिए ताकि मैं सोच के टोटल जो कैंडिडेट्स हैं 12-13 हजार कैंडिडेट्स हैं उनके मुताबिक आंसर दे सकूं, बाकियों को भी फायदा हो सके। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज, थैंक।